वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और गुजरात से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। केम छो? तो आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज तारीख हो रही है 21 जनवरी। तो मेरे कई सब्सक्राइबर के मैसेज आए थे कि दीदी आपके हाथ में कैसा है अभी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हाथ में मेरा देखो अच्छा है। ये जो फ्रैक्चर था वो निकल गया है अभी, और इसकी मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगी दिखाऊंगी अभी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था तो मैं ये वीडियो अपलोड कर पाई नहीं थी। तो चलो मैं आपको वो अभी बताती हूँ। वो दिन हूं। था कि जिस दिन मेरे हाथ में ये हुआ था, तो ये दिवाली के शाम को मेरे हाथ में ये सब हुआ था। तो इसका वीडियो भी मैंने स्पेसिफिकली मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये हम गए थे हॉस्पिटल पर, अभी एक्सरे पड़वाया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी ये नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी आपके हाथ को पूरा जॉइंट नहीं हुआ, जो भी बर्न होते हैं अंदर अभी जो भी वो जॉइंट अच्छे से नहीं हुआ। कहा है कि आपको जिस जगह चोट लगी है वहाँ कई लोगों को हड्डियाँ अच्छे से जुड़ती नहीं है, तो हो सकता है कि स्क्रू लगाने पड़े। जो आपको आपके ये जॉइंट अच्छे से नहीं होगा तो आपको स्क्रू लगाने पड़ सकते हैं। तो यार मुझे तो डर लग रहा है कि ऐसा कुछ ना हो। भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि फिर से एक्सरे करवाने जाए तो सब जॉइंट हो जाए। तो फाइनली 1 मंथ के बाद अभी हम फ्रैक्चर निकलवाने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल, और सभी कपड़े मुझे आ नहीं रहे इस फ्रैक्चर की वजह से, तो ये मुझे एक ही कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच गए, और देखो मेरे हाथ में जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन काम ना चल रहा हो, ऐसे ही मेरे हाथ की कंडीशन हो रही थी। तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि डॉक्टर मेरा हाथ ना कट जाए वो ध्यान रखना। तो डॉक्टर बोल रहे थे हम धीरे धीरे से ही आपके ये हाथ को अपने फ्रैक्चर को कट करेंगे। तो देखो अभी मेरा ये पूरा फ्रैक्चर निकल गया है, तो मैं तो बहुत ही खुश थी। बट मेरे हाथ की जो कंडीशन थी ना, वो देख के मैं थोड़ी शॉक हो गई, क्योंकि 2 मंथ से मेरा हाथ बंधा हुआ था, और देखो हाथ की कंडीशन देखो कितना गंदा हाथ लग रहा है मेरा। तो अभी फाइनली हम घर पे पहुंच गए, और मेरे हाथ की कंडीशन आप देख सकते हो, जैसे कि सांप ने कोई काछली उतारते हैं, और कैसा होता है ऐसे मेरे हाथ का चिथरे चिथरे उड़ गए हैं। तो फाइनली मैंने हैंड को वॉश कर दिया और थोड़ा सा अच्छा अभी दिख रहा है मेरा हाथ। फ्रेंड, मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। और मेरे चैनल पे हेयर केयर रिलेटेड, ट्रैवल वर्क, सभी टाइप की वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं चलो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।